कभी टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे। परेशानी के दिन में बंगला भी बेचना पड़ा था और अपने पूरे करियर में 7 लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। कौन है भाई ये कमाल करने वाले? इवन एंटरटेनमेंट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपकी दोस्त मेघा। स्वागत आप सभी का। नरगिस और दिलीप कुमार की फिल्म से एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले राजेंद्र कुमार अपने दौर के जाने माने कलाकार थे। उनकी लगातार हिट हो रही फिल्मों के आधार पे ही उनका नाम जुबली कुमार रख दिया गया। जब वो मुंबई हीरो बनने का सपना लेकर आए तो उनके पास सिर्फ 50 रुपए थे और वो 50 रुपए भी वो पिता की घड़ी को बेच कर लाए थे। लेकिन जब उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाया तो मुंबई के कार्टर रोड पर उन्होंने एक बंगला खरीद लिया। बंगले में शिफ्ट होते ही राजेंद्र कुमार स्टार बन गए। इस बंगले को खरीदने के बाद उनकी तकरीबन 15-20 फिल्में सुपरहिट हो गई। बाद में उन्होंने ये बंगला राजेश खन्ना को बेच दिया और इसी बंगले में आकर राजेश खन्ना भी स्टार बन गए। राजेंद्र कुमार जब बंटवारे के बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम जमाने के लिए मुंबई आए तब उनके पास ट्रेन के टिकट के पैसे भी नहीं थे। पिता की दी हुई घड़ी बेचकर उन्होंने मुंबई आने का फैसला किया। शुरुआती दिनों में तो उनके पास रहने का ठिकाना भी नहीं था, वो एक गेस्ट हाउस में रहा करते थे। वहाँ किराए पर खाट लेकर वो सोया करते। लेकिन बाद में जब फिल्मी दुनिया में उनके नाम का सिक्का जम गया तो उन्होंने उसी मुंबई में कार्टर रोड पर एक बंगला खरीद लिया। जो इंसान किसी वक्त एक खटिया पे सोता था आज वो बंगले का मालिक बन गया। करियर की शुरुआत में जब उन्हें राज कपूर ने एक फिल्म ऑफर करी तो उन्हें और 2 फिल्मों के लिए एडवांस पैसे भी मिल गए थे। इन्हीं पैसों से राजेंद्र कुमार ने वो बंगला खरीदा था और इस बंगले में आते ही उनकी किस्मत चमक गई। इस बंगले में आने के बाद राजेंद्र कुमार ने एक नहीं बल्कि कई हिट फिल्में देनी शुरू कर दी। संघर्ष के दिनों में उन्हें ये बंगला बेचना पड़ा और बाद में ये बंगला राजेश खन्ना ने खरीद लिया और राजेश खन्ना भी इस बंगले में आकर स्टार बन गए। या कह लीजिए आप कि ये बंगला कुछ कमाल का था। राजेंद्र कुमार ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी। साल 1955 में आई फिल्म वचन से उन्हें एक बड़ी पहचान मिली। अपने करियर में उन्होंने गूंज उठी शहनाई, आरजू और मदर इंडिया जैसी कई सुपरहिट फिल्में अलग अलग किरदारों के साथ करी। मेरे महबूब के अलावा उन्होंने बैक टू बैक 6 सुपरहिट फिल्मों में काम करा। उनकी ये फिल्में 25 हफ्तों तक सिनेमा घरों से उतरी नहीं थी और इसी वजह से उन्हें जुबली कुमार भी कहा जाता था। ऐसे ही चटपटी गॉसिप के लिए वन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। और आपको उस जमाने का कौन सा एक्टर पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए गॉसिप के साथ। टिल देन बाय।